बिना क्रेडिट लिए लेकिन फरहान की फिल्मों को लोग इतना पसंद करते हैं, आपकी उनकी पसंदीदा कौन सा, आपको कौन सी उनकी फिल्म सबसे अच्छी लगती है? आप देखते हैं, सराहते हैं, अपना सही सही ओपिनियन देते हैं, क्या आपका क्रिटिसिज्म भी वो लेते हैं? हाँ नहीं, मैं वो अपनी जब भी जोया हो या फरहान हो जब अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मुझे भेजते हैं और या ला के देते हैं। अभी तो लाना और भेजना मुश्किल है, तो अभी उसकी एक स्क्रिप्ट मुझे उस पर आई है आईपैड पे, तो ईमेल कर दी उसने, तो मैं उसे पढ़ता हूँ और मैं जो भी मेरी राय है वो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली वो राय दे देता हूँ। और मैं अपने बच्चों को राय तब तक नहीं देता जब तक वो मुझसे मानते नहीं, मैं कभी उन्हें अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं, तो वो राय मुझसे सुन लेते हैं, उसमें से कुछ मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, जो मानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते उनका अधिकार है। इसलिए कि एक एज के बाद आपको ये मानना पड़ता है कि आपके बच्चे भी उतने ही इंसान हैं जितने आप हैं, और कोई जरूरी नहीं कि क्योंकि वो आपसे 40 साल या 30 साल या 25 साल या 27 साल पहले बाद पैदा हुए तो आप पे ज़्यादा ही अकल है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। हम लोग कमाल के लोग हैं श्वेता जी, हम ये चाहते हैं कि हमसे जो भी छोटा है वो हमसे, चाहे वो हमारा बच्चा है या किसी का भी बच्चा है, जो हमसे छोटा है वो ये माने कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें ज़्यादा अकल है, इसलिए कि हम भाई ज़्यादा दिनों से हैं दुनिया में ना। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो सबके सब हमसे ज़्यादा अकलमंद, वो हम नहीं मानना चाहते। लेकिन हम ये ज़रूर मानना चाहते हैं कि जो हमारे बाद पैदा हुए उनमें उतनी अकल नहीं जितनी हम, मैं ऐसा नहीं मानता, इस बात को गलत समझता हूँ। सच ये है कि ये दुनिया इन लड़के लड़कियों की है, ये दुनिया अब हमारी है ही नहीं, जो कुछ है वह ठीक है, कुछ हमारे पास है जो ये नहीं जानते, लेकिन कुछ इनके पास भी जो हम नहीं जानते। तो अगर इनसे डील करना है, इनके साथ काम करना है, इनसे इंटरेक्ट करना है, तो आपको इनकी इज्जत करनी होगी और समझना होगा कि भाई कुछ तुम्हें पता है कुछ हमें पता है, जो तुम्हें पता है वो हमें बता दो और जो हमें पता है वो तुम्हें बता दे, तो कोई झंझट नहीं। मैं तो आजकल ज्यादातर कौन सी चीजें आपको हद से ज्यादा परेशान करती हैं जी, क्योंकि आपको फैंस तो जादू कहते रहे हमेशा, आपकी लेखनी में ऐसी जादू है, आपकी शख्सियत में ऐसी ऐसा जादू है, पर कभी कभी देखते हैं कि कभी कोई आकर आपको कॉमरेड कह जाता है, कभी मार्कंडे काजू जैसा व्यक्ति आपको कुछ कह जाता है सोशल मीडिया पे, और जावेद अख्तर थोड़ा उखड़े हुए से दिखते हैं उस समय, कौन सी चीज है जो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती है? नहीं, मुझे तो सिर्फ एक मेरी कमजोरियां, आप सिर्फ राइटर के एज ए ह्यूमन बी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी छोटी बात ना करे तो अच्छी बात, कुछ एक घटिया बात ना करे। आप अगर बुरा काम भी कर रहे हैं मतलब उसमें भी कम से कम एक विशालता तो रखो, दिल बड़ा रखो अपना, एक बिलो द बेल्ट मारने वाली बात अच्छी थी। लेकिन यहाँ मार्कंडे साहब की बात है, उन्हें पूरा अधिकार है भाई मुझे नापसंद करे, वो पोइट मैं कोई जबरदस्ती है आप शारी पसंद ही करें उन्हें, राइट है, उसमें क्या है। बहुत से लोगों को एक बात और भी बताऊं आपको कि जिसके खिलाफ कोई ना बोलता हो उस आदमी में कोई गड़बड़ है, इसलिए कि अगर आप उसूल की बात करेंगे, अगर आप सच्ची बात करेंगे, अगर आप कहेंगे ये मेरे आदर्श हैं और ये मेरे संस्कार हैं, तो दुनिया में कुछ लोग तो आपके खिलाफ बोलेंगे, दुनिया में कुछ लोग तो आपके खिलाफ होंगे। अगर कोई भी आपके खिलाफ नहीं बोलता तो इसके मतलब आप कोई ऐसी बात ही नहीं कहते जो दृढ़ हो, जो पक्की हो कि भाई उसके खिलाफ कोई हो सके। आप भी गोल गोल ही चलते हैं, जिनके कोई दुश्मन नहीं होते वो बड़े अंतरस्पर्धी लोग होते हैं।